Hello students, today we will study lesson number 5, Going to the Village. The chapter of Nitya and Aditi, new words, word meanings and question answers. बेटा जैसे मैंने आपको बताया था, new words होते हैं कुछ difficult words जिनकी आपको spelling learn करनी है. So let's study them. First is spoil. S-P-O-I-L, spoil means खराब कर देना, बर्बाद कर देना. Second is fields. F-I-E-L-D-S, बच्चे इसमें लिख देते हैं F-E-I, so please take care, F-I-E-L-D-S, fields means खेत, खुले मैदान, बड़ी खाली पड़ी हुई मैदान is fields. Third is center, C-E-N-T-R-E, center means बीच में. Fourth is autos, A-U-T-O-S, autos. Then fifth is taxis, T-A-X-I-S, taxis. Sixth is empty, E-M-P-T-Y, empty means khali. Seventh is village, V-I-L-L-A-G-E, village means gaon. Eighth is cousins, C-O-U-S-I-N-S, cousins, jo aapke mama ke, mausi ke, chacha ke, tau ke bachche hote hain, wo aapke cousins hote hain. Ninth is tractor, T-R-A-C-T-O-R, tractor. Tenth is platform, P-L-A-T-F-O-R-M, platform. 11th, journey, journey means safar, rasta, mein jo aap safar karte ho. J-O-U-R-N-E-Y, journey. 12th is comfortable, C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E, comfortable, means aramdayak. 13th is thatched, T-H-A-T-C-H-E-D, thatched होता है वो छप्पर जो पड़ा होता है, घास फूस का छप्पर जो कि छत पे पड़ा होता है कच्चा हाउसेस में. 14th is courtyard, C-O-U-R-T-Y-A-R-D, courtyard होता है आंगन, in Hindi we call it आंगन. Next we have word meanings. First is spoil. Spoil means destroy कर देना, बर्बाद कर देना, D-E-S-T-R-O-Y, huge, very large, बच्चे इसको hug बोलते हैं, children, it's not hug, it's huge, very large means बहुत बड़ा. Third is usually, done often, means अक्सर, I usually go to temple, मैं अक्सर मंदिर जाता हूँ. Glance, a quick look, एक झलक देखना is glance. Wonder, want to know something, I wonder that I will get my favorite toy on my birthday or not, means want to know something. Thatch, roof covering with straw, वही मैंने बताया आपको, जो छप्पर पड़ा होता है घर पे, roof पे, कच्चा houses में, that is thatch. Question answers, why did Nitya and her family travel to the village? Nitya और उसकी family village क्यों ट्रैवल कर रहे थे, क्यों जा रहे थे आखिर वो? आंसर, नित्या एंड हर फैमिली ट्रैवल्ड, रिमेंबर इट्स ट्रैवल्ड, टू द विलेज टू विजिट देयर अंकल एंड आंट हु लिव देयर. वो अपने अंकल और आंटी से मिलने जा रहे थे जो वहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे, तो वो विलेज मिलने जा रहे थे. आप भी चाहते हो अपनी नानी और दादी के यहाँ. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड नित्याज अंकल एंड आंट स्टार्ट द स्कूल? उनके अंकल और आंट ने वो स्कूल क्यों चलाया था, क्यों स्टार्ट किया था? आंसर, नित्याज आंट एंड अंकल स्टार्टेड द स्कूल सो दैट द विलेज गर्ल्स कुड स्टडी इन अ स्कूल नियर बाय, जिससे कि जो गांव के लड़के और लड़कियां हैं वो आसपास के जो जितने भी बच्चे हैं वो सारे स्कूल में पढ़ सकें, इसीलिए उन्होंने विलेज में वो स्कूल चलाया था, स्टार्ट किया था. Question number 3, why did Nitya's uncle say that the tractor would not go through the fields? उन्होंने ऐसा क्यों कहा था अंकल ने कि ट्रैक्टर जो है वो फील्ड में से नहीं जा सकता. जब बच्चे कह रहे थे ना हमें ट्रैक्टर पे जाना है, तो उन्होंने कहा ट्रैक्टर फील्ड के अंदर से नहीं जा सकता, खेत में से नहीं जा सकता. आंसर, नित्या's uncle said that the tractor would not go through the field because it would spoil the crops, क्योंकि वो फसलों को ख़राब कर देगा. अगर आप खेत हो रहे हैं, खेत में से ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के ले जाओगे तो फसल तो ख़राब हो ही जाएगी, तो इसीलिए नित्या के अंकल ने कहा था कि बेटा ट्रैक्टर साइड में से जाएगा, खेतों में से नहीं जाएगा.
Question number 4. Describe the house in which Nitya's aunt and uncle lived. It's an important question. वो घर बताओ, उसके बारे में डिस्क्राइब करो जिसमें नित्या की आंट और अंकल रहते थे. द आंसर इज नित्याज आंट एंड अंकल लिव्ड इन अ हाउस विद ट्रीज ऑल अराउंड इट एंड अ कोर्टयार्ड इन द सेंटर. इट हैड अ वेल एट द बैक. नित्या के अंकल और आंटी जिस घर में रहते थे उसके चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे और बीच में बहुत बड़ा आंगन था. जैसे कि आप गाँव का घर इमेजिन कर लो, गाँव के घरों में जैसे होता है ना, चारों तरफ पेड़ लगे होते हैं और बीच में बड़ा आंगन सा होता है. इट हैड अ वेल एट द बैक. और उनके घर के पीछे एक कुआं भी था. वेरी ब्यूटिफुल हाउस. हु सेड टू होम. चलो मैंने कुछ हु सेड टू होम निकाले हैं आपके लिए, प्रैक्टिस करते हैं. चलिए फर्स्ट, डू यू थिंक दे हैव रैबिट्स देयर. आपको क्या लगता है, क्या वहाँ पर रैबिट्स होंगे? हु सेड दीज लाइंस टू होम. अदिति आस्क्ड हर मदर. चिल्ड्रन देयर वेयर एवर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट, आप हु सेड टू होम में आस्क लिखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है. अदिति आस्क्ड हर मदर. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल वी रीच द फार्म. अगेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. हम फार्म में कैसे पहुँचेंगे? अदिति आस्क्ड हर फादर. अदिति ने अपने पापा से पूछा था. When we were young, we used to sit under the trees at night. ये कौन किससे बता रहा था? जब हम छोटे थे तो ट्री के नीचे बैठा करते थे. किसने बताया? Mother said to Nitya. मदर ने नित्या से कहा. Now fourth point, the tractor is parked at the end of the station. Who said these lines to whom? किसने कहा था कि ट्रैक्टर जो है स्टेशन के कोने में खड़ा है बाहर की तरफ? Aunt said to Nitya and Aditi. So children, these were the question answers, word meanings, who said to whom, and watch the book exercises in my next video. I hope you have enjoyed it. Don't forget to subscribe ma'am's channel. Bye-bye.